ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों, इसमें ना तो आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है और ना ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। यानी कि सिर्फ आप अपना चैनल बनाओ, 10 वीडियो अपलोड करो और आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या इस एप्लीकेशन से आप जब वीडियो बनाओगे, इस एप्लीकेशन पर जब आप वीडियो अपलोड करोगे, तो क्या ये यूट्यूब की तरह आपको पैसा देगा? सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है और इस वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बिना 4000 घंटे 1000 सब्सक्राइबर इसमें नहीं लगता, यानी कि इसमें आप कैसे चैनल बना करके आप अर्निंग कैसे कर सकते हो, यानी कि आप इसमें पैसा कैसे कमा सकते हो, इसमें आप चैनल कैसे बना सकते हो, इसमें आप सेटिंग कैसे कर सकते हो, मोनेटाइजेशन की पॉलिसी कैसे है और मोनेटाइजेशन इसी आप कैसे कर सकते हो, यानी कि इसमें आप मोनेटाइजेशन के लिए रिव्यू में कैसे आप भेज सकते हो। ठीक है, तो सिंपल से आपको क्या करना है कि आप प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर आपको ऑटो प्ले डालना पड़ेगा और यहां पर आपको मिल जाएगा वायरल वीडियो ब्लॉग्स। ठीक है, यहां पर क्या बोलता है, सबसे पहले इस एप्लीकेशन को हम यहां पर देखते हैं कि यह एप्लीकेशन क्या बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको भी 100K यानी कि 100,000 लोगों ने यहाँ पर इसे डाउनलोड किया हुआ है और 3.6K रेटिंग है इसका। तो चलिए हम इसे एप्लीकेशन को यहाँ पर डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद में इसे मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर लिख रहा है लॉग इन, प्ले नेक्स्ट, बैकग्राउंड प्लेबैक, डार्क मोड, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी टर्म्स एंड टर्म्स ऑफ यूज, कम्युनिटी गाइडलाइन। सबसे पहले हम इसकी कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में समझते हैं क्योंकि ये नया एप्लीकेशन है। अब मान लीजिए आपने बनाया कुछ और वीडियो अपलोड कर दिया, कम्युनिटी गाइडलाइन आ गया और आपका सब कुछ खत्म हो गया। तो यहाँ पर आप कम्युनिटी गाइडलाइन सबसे ज्यादा पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी। देखिए फेक फॉलोअर एंड फॉलो फॉर फॉलो प्रोग्राम ऑफ स्कीम, इसके बारे में भी आप पढ़ लेना। ठीक है, कि क्या इस पर सब फॉर सब कर सकते हैं क्या, स्कैम के बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हो, वेपन फॉर्मवेयर्स, इन लीगल एक्टिविटीज, इन लीगल मार्केटिंग, फॉल्स न्यूज, शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट वीडियो के बारे में यहाँ पर हम समझ लेते हैं। शॉर्ट वीडियोज विच डिलीवर लिटिल वैल्यू मे बी रिमूव फ्रॉम ऑटो प्ले। यहाँ पर बोल रहा है कि शॉर्ट वीडियो विच डिलीवर लिटिल वैल्यू, अगर थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो से कोई मतलब नहीं रहेगा ना, तो ये ऑटो प्ले जो है उस शॉर्ट वीडियो को डिलीट कर देगा। जनरली अपलोड वीडियो should have a minimum duration of 1 minute। ये सब चीजें आपको कोई इतना नहीं बताया होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, शॉर्ट वीडियो इस पे आप अपलोड करोगे तो यहाँ पर आपको वो वीडियो डिलीट कर दी जाएगी। आपकी वीडियो 1 मिनट से ऊपर तक की होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 1 मिनट टू बी कंसीडर्ड टू बी वीडियो ऑफ वैल्यू, यानी कि अगर आप को इससे पैसे कमाने हैं तो आपकी वीडियो 1 मिनट से ज्यादा की होनी चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर इनके क्राइटेरिया के हिसाब से आपकी वीडियो मैच नहीं करेगी तो ये आपके अकाउंट को और आपकी वीडियो को पूरे तरीके से हटा देंगे। ये रहा कम्युनिटी गाइडलाइन। कम्युनिटी गाइडलाइन के बाद यहां पर आते हैं मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूं। मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे आते हैं तो यहां पर सबसे पहले ऊपर में लिखेगा अर्न मनी विद ऑटो प्ले, यानी कि आप ऑटो प्ले से पैसा कमा सकते हो। टू अर्न मनी ऑटो प्ले कंटेंट क्रिएटर्स विल नीड टू कंप्लाई विद आवर रूल्स हियर बाई नोन एज ऑटो प्ले मोनेटाइजेशन पॉलिसी, दीज अप्लाई टू ऑल कंटेंट ऑन ऑटो प्ले। क्या लिखा गया है, इन ऑर्डर टू अर्न मनी ऑन ऑटो प्ले यू मस्ट, आपको अपने चैनल को वेरीफाई करना पड़ेगा फोन से। वेरिफिकेशन में टेक अप टू 30 डेज वर्किंग डे, मतलब 30 दिन का टाइम लग सकता है इनके वेरिफिकेशन में। यूट्यूब पर जहां पर आपको तुरंत वेरीफाई होता है, यहां पर 30 दिन का टाइम लगे। भैया आप कितना इतना दिन क्यों ले रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद यहां पर लिखा गया है और भी सारी चीजें हैं। यहां पर एक चीज और लिखा गया है कि 10 वीडियो आप अपने चैनल पर डालिए, 200 फॉलोअर्स होने चाहिए, आपका मोनेटाइजेशन के लिए हम कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं बोला है कि कंसिडर हो जाएगा, ऐसा नहीं बोला कि आपका मोनेटाइजेशन हो जाएगा, ये बोले हैं कि हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहां पर बोला है कि ऑथेंटिक न्यूज होनी चाहिए, गलत न्यूज डालोगे, गलत चीजें डालोगे तो ये डिलीट कर देंगे। चलिए इतना सब कुछ हो गया, मैंने आपको कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में बता दिया, मोनेटाइजेशन के बारे में बता दिया। अब यहां पर मैं बताता हूं कि इसमें आप चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले चैनल क्रिएट करने के लिए आपको यहां पर लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, लॉग इन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो अब आपका मान लीजिए ईमेल आईडी में पासवर्ड नहीं है, तो यहां पर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। डू यू हैव एन अकाउंट, यहां पर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, तो इस पे आप क्लिक कीजिए। यहां पर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर डालना है अपना नाम, मेरा नाम राहुल उपाध्याय, ईमेल आईडी को ही आप डाल दीजिए। ठीक है, चलिए मैंने यहां पर ईमेल आईडी, ठीक है, तो यहां पर मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। फिर यहां पर आपको पासवर्ड डालना, तो यहां पर मैंने पासवर्ड डाल करके यहां पर मैंने रजिस्टर्ड कर लिया। देखिए क्या लिखा है, सक्सेस, प्लीज चेक योर ईमेल एंड वेरीफाई योर अकाउंट। जब यहां पर अपना न्यू अकाउंट बनाओगे तो आपके ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजेंगे। तो यहां पर हम ओके करते हैं और डायरेक्ट चलते हैं अपने जीमेल अकाउंट पर, उस जीमेल अकाउंट पर जिससे हमने इस चैनल को क्रिएट किया हुआ है, यानी कि लॉग इन किया हुआ है, चैनल क्रिएट नहीं किया हुआ, चैनल बाद में क्रिएट होगा। तो यहां पर देखिए ऑटो प्ले वेरिफिकेशन आया हुआ है, इस पर हम क्लिक करके वेरीफाई पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, वेरीफाई अकाउंट पे यहां पर हमने क्लिक किया। अब इसके बाद यहां पर हमारे सामने देखिए एक और पेज निकल करके आया है, देखिए ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, अब यहां पर पूछा है कि लॉग इन विथ गूगल,
इसके बाद हम लॉगिन विद गूगल पे करेंगे। गूगल पे करने के बाद हम उस ईमेल आईडी को यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में ये हमारा उसमें रिडायरेक्ट कर देगा। ये देखिए यहां पर इस तरह से हमारा ये जो है लॉगिन पूरे तरीके से हो गया है, ठीक है। यहां पर अब इसके बाद हम उस एप्लीकेशन पे हम चलेंगे जिस एप्लीकेशन को हमने डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड इसके बाद यहां पर बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद हम फिर से इसमें हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद में हम यहां पर फिर थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं और यहां पर हम लॉगिन करते हैं ईमेल आईडी जो हमने लॉगिन किया हुआ था, ठीक है। उस ईमेल आईडी और पासवर्ड को हम यहां पर डालते हैं। डालने के बाद हमको यहां पर लॉगिन करना है। देखिए हमने पूरे तरीके से लॉगिन कर लिया है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद में मेरा ऊपर में दिख रहा है राहुल उपाध्याय नाम और नीचे यहां पर आपको दिख रहा है वीडियो अपलोड, माय वीडियोस, रिसेंटली वॉच वीडियोस, प्ले नेक्स्ट, ठीक है, लाइक वीडियोस, माय डाउनलोड। इसमें आप जो वीडियो लाइक करोगे उसका भी आप देख सकते हो, जो डाउनलोड करोगे वो भी आप देख सकते हो। और नीचे में यहां पर आपको दिख रहा है क्रिएट चैनल और यहां पर नीचे आपको दिख रहा है माय चैनल और माय फॉलो, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हम क्रिएट चैनल पर क्लिक करते हैं। अब चैनल नाम यहां पर आपको क्रिएट करना है, तो चलिए मैं अपने चैनल का नाम एक्टिव राहुल, ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया। और यहां पर मैं लिख दूंगा दिस चैनल इज रिलेटेड टेक, रिलेटेड दिस चैनल इज रिलेटेड टू टेक, ठीक है, यहां पर हमने कर दिया। अब यहां पर नीचे क्या लिखा है, सेलेक्ट चैनल कैटेगरी, हमारे चैनल की कैटेगरी क्या होगी। तो हम यहां पर गेमिंग है, एडुकेशन है, म्यूजिक है, टेक्नोलॉजी है, मोटिवेशन, बहुत सारी यहां पर कैटेगरी है, ठीक है। तो मैं भैया जिससे मेरा यूट्यूब है उसी से मैं यहां पर अपना चैनल बनाऊंगा, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पे क्लिक करके यहां पर मैं, अब यहां पर पूछा क्या है, सिलेक्ट चैनल इमेज, तो ऑटो प्ले पे क्लिक करके यहां पर आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। और सबसे पहली बात है कि यहां पर आप कोई फोटो ले लीजिए, अपना फोटो या किसी का भी, आपका जो फोटो रहेगा। तो चलिए मैं अपना यहां पर कोई एक फोटो ले लेता हूं और उसी से अपने चैनल को हम यहां पर क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए यहां पर मैंने अपना एक फोटो ले लिया। फोटो लेने के बाद यहां पर मैंने अपना फोटो डाल दिया और क्रिएट चैनल पर मैंने यहां पर क्लिक कर दिया। तो देखिए क्या बोला है कि फील्ड दिस चैनल नेम हैज ऑलरेडी बीन टेकन, तो मेरे चैनल का नाम किसी ने पहले से ही चैनल पर बना लिया है। तो चलिए यहां पर हम एक्टिव राहुल 1 कर देते हैं, क्योंकि भैया एक्टिव राहुल नंबर 1 हमेशा ही रहेंगे। तो एक्टिव राहुल 1 करके क्रिएट चैनल पर क्लिक करते हैं। तो देखते हैं कि ये चैनल नेम लेता है क्या। तो देखिए क्रिएट चैनल क्रिएटेड सक्सेसफुली, अब मेरा जो चैनल है वो क्रिएट हो चुका है। अब माय चैनल पर मैं क्लिक करके यहां पर देखिए मेरा चैनल आ गया, 0 फॉलोअर 0 वीडियो टेक्नोलॉजी। अब इस पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा चैनल यहां पर बन चुका है और ऊपर में क्या लिखा गया है, शो योर वीडियोस विद वर्ल्ड, यहां पर वीडियो है, प्लेलिस्ट है, अबाउट है। अबाउट सेक्शन में मैंने क्या लिखा हुआ है, दिस चैनल इज रिलेटेड टू टेक। अब इस तरह से हमारा चैनल हो गया। ये तो हमने इसमें लॉग इन किया हुआ है लेकिन हमारा चैनल यहां पर है। अब इसमें हम वीडियो कैसे अपलोड करेंगे, तो यहां पर देखिए अपलोड वाला सेक्शन यहां पर लिखा गया है, अपलोड वीडियो, तो अपलोड एड अ वीडियो पर क्लिक करके गैलरी में हम चले जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर चलिए मैं मान लीजिए मैं कोई एक वीडियो ले लेता हूं, ये मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है 13 सेकंड का, 13 सेकंड की वीडियो यहां पर नहीं होगी, 1 मिनट से ज्यादा की होगी। तो हम यहां पर चलिए आप कोई एक ऐसी वीडियो ले लेते हैं जो 1 मिनट से ज्यादा की वीडियो होगी, ठीक है। तो 1 मिनट वाली मैं यहां पर वीडियो देखता हूं। तो चलिए मैंने यहां पर 2 मिनट की एक वीडियो मैंने इस तरह से रिकॉर्डिंग किया हुआ था उसको मैंने यहां पर डाल दिया। अब यहां पर मान लीजिए मैंने लिख दिया माई फर्स्ट वीडियो, ठीक है, माई फर्स्ट वीडियो मैंने यहां पर डाल दिया। डिस्क्रिप्शन मान लीजिए माई फर्स्ट वीडियो ही लिख दिया, माई फर्स्ट वीडियो, ठीक है। डालने के बाद अब थंबनेल पूछ रहा है, तो यहां पर आप थंबनेल भी सेलेक्ट कर सकते हो। देखो सेलेक्ट चैनल एक्टिव और विजिबिलिटी पब्लिक, अब यहां पर मैं पब्लिक या प्राइवेट, यहां पर आप अनलिस्टेड में नहीं कर सकते, यहां पर आप डायरेक्ट प्राइवेट या तो पब्लिक। इसके बाद कमेंट सेटिंग इनेबल, आप यहां पर कमेंट डिसेबल भी कर सकते हो और कमेंट इनेबल भी कर सकते हो, तो यहां पर मैं कमेंट इनेबल कर दूंगा। अब यहां पर मैंने कर दी वीडियो अपलोड, अपलोड स्टार्ट, ठीक है। तो ये देखिए हमारी वीडियो यहां पर अपलोड हो रही है, ठीक है, ये देखिए कितना फास्ट अपलोड हो रही है। भैया 2 मिनट की वीडियो इसकी रिकॉर्डिंग किया हुआ था, ये मैं बस जस्ट टेस्ट के लिए बोल रहा हूँ। और मेरा ये चैनल का लिंक मैं आपको अपने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जैसे जैसे मैं इसमें सीखते जाऊंगा सारी चीजें मैं आपको वीडियो के थ्रू मैं आपको बताते जाऊंगा। तो चलिए मेरी वीडियो ये हो गई अपलोड, ठीक है। यहां पर देखिए आ गया ऑटो प्ले अपडेट योर वीडियोस माय फर्स्ट वीडियो, ठीक है, यहां पर मैंने डाल दिया हुआ है। अब फिर थ्री डॉट इस पर क्लिक करता हूँ 4 वाले पे, अब माय चैनल पर जाता हूँ और माय चैनल पर जाने के बाद देखिए 2 मिनट्स पहले मैंने एक वीडियो को डाला हुआ है जिसको मैंने प्राइवेट किया हुआ है। अब मैं प्राइवेट किया हुआ हूँ अपलोड वीडियो पे जाता हूँ, जो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है वो कहाँ गई, भाई मैंने तो प्राइवेट किया था, मेरी वीडियो प्राइवेट कहाँ है भैया। तो देखते हैं कि कहाँ है मेरी वीडियो, ठीक है। माई डाउनलोड पर मैं आता हूँ, प्राइवेट पे वो भी नहीं है, रिसेंट वीडियो जो वॉच है वो है ही नहीं है, मैंने जो वीडियो डाला था वो है कहाँ पर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्राइवेट अगर करके डालूंगा तो मैं अपनी वीडियो को देख कहाँ सकता हूँ। तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ, इसमें भी नहीं है,
भैया कहाँ मिलेगी मेरी वीडियो, नोटिफिकेशन पे जाता हूँ वो भी नहीं है। तो यार मैंने जो वीडियो अपलोड किया है वो मेरी वीडियो गई कहाँ, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। चलो प्लेलिस्ट में जाता हूँ, इसमें भी नहीं है, माय प्लेलिस्ट इसमें भी नहीं है। अपलोड वीडियो, मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वो गया कहाँ, ठीक है। तो भैया यहाँ पर शायद है कि आप प्राइवेट वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हो, पब्लिक डायरेक्ट अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हो। मैंने वीडियो अपनी अपलोड की और मेरी वीडियो मुझे दिख ही नहीं रही। मैं अपने चैनल पर जाता हूँ, चैनल पर जाने के बाद देखिए इसमें एडिट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा चैनल एडिट हो जाता है, लेकिन मेरी वीडियोज कहाँ है, मेरी वीडियोज मुझे कहीं नहीं मिल रही है। चलिए मैं इन सब पे क्लिक करके देख लेता हूँ कि भैया कहीं यहाँ पर गई तो नहीं है। इस पे आ गया मैं, चार लाइन पे मैंने क्लिक कर लिया, मेरी वीडियो कहीं नहीं दिख रही, मैंने जो अभी प्राइवेट वाली वीडियो डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। लाइक वीडियो पे क्लिक करके देख लेता हूँ। तो भैया मेरी वीडियो प्राइवेट मैंने अपलोड किया, मेरी वीडियो मुझे नहीं मिल रही है कि मैंने कहाँ पे वीडियो अपलोड किया हुआ है। अपलोड पे क्लिक करता हूँ तो मेरी वीडियो दिख नहीं रही। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि मैंने जब वीडियो अपलोड की प्राइवेट में तो वीडियो पता नहीं कहाँ कब होगी, मुझे मिली नहीं, हो सकता है बाद में मिल जाए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट है यूट्यूब। यूट्यूब लाखों लोग यूज़ करते हैं, लाखों क्रिएटर हैं, मिलियन मिलियन वाले सब्सक्राइबर हैं और यहाँ पर एक ट्रस्ट बन चुका है और ये बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, ठीक है। लेकिन ये जो एप्लीकेशन आया हुआ है ये प्ले स्टोर पर अभी अभी आया हुआ है, कल को क्या पता ये भाग जाए आपका सारा डेटा लेकर के, हो सकता है कि पैसे जब आने वाले हों तो ये आपके चैनल को डिलीट कर दे, कुछ भी भरोसा नहीं है। ये आप अपने समझ से कीजिएगा, मुझे बस बताना था क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही थी तो मैंने यहाँ पर आपको बता करके बताया। लेकिन सबसे बात बता दूं कि YouTube से बढ़िया कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग करना है तो उससे सबसे बेस्ट तरीका है YouTube। इस एप्लीकेशन को आप यूज करिए, देखिए कि कैसा है, ठीक। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ही आप पब्लिक करके ही आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, प्राइवेट करोगे तो भैया वीडियो गायब हो जाएगी, जल्दी मिलेगी नहीं। तो ये रहा भाई, इस तरह से यहाँ पर आप चैनल क्रिएट करके यहाँ पर आप अर्निंग कर सकते हो। अब अर्निंग कैसे होगी वो इंतजार कीजिए, आप मेरे इस चैनल को फॉलो कर लीजिए तभी मैं आपको यहाँ पर कुछ आगे बता पाऊंगा, ठीक है। 200 अपलोड, 200 सब्सक्राइब, 200 फॉलोअर बढ़ाइए और इसके बाद क्या होगा कि इस पर मैं वीडियो डालता हूँ, देखता हूँ कि कैसे अर्निंग होती है और मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं धीरे धीरे करके आपको मैं बताते रहूँगा और बहुत कुछ चीज़ें सिखाता रहूँगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई है, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।